नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है अहंकार अपने ही दिशा का एक भाग, अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण भाग 3। अहंकार और लोभ एक दूसरे के भिन्न साथी है। जहां एक होगा वहां दूसरा का होना अनिवार्य है। यह के द्रोह से मनुष्य को लोभ इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह संसार की प्रत्यक्ष वस्तु पर एकाधिकार चाहने लगता है। उसकी अधिकार लिप्सा असीमित हो जाती है। वह संसार के सूक्ष्म साधनों का लाभ केवल स्वयं ही उठाना चाहता है। किसी को उसके भागीदार होते नहीं देख सकता। यदि कोई अपने गुणों परिश्रम और पुरुषार्थ से उन्नति विकास करता भी है तो अहंकार को ऐसा आभास होता है जैसे यह उन्नतिशील व्यक्ति उसकी अधिक कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है, उसकी संपत्ति और साधनों का भागीदार बन रहा है और इस मति दोष के कारण वह बड़ा असहनशील हो उठता है। यदि शक्ति होती है तो वह उसके बढ़ते हुए व्यक्ति को गिराने मिटाने का प्रयत्न करता है, नहीं तो जल भूल कर मन ही मन कूदता रहता है। इन दोनों अवस्थाओं में अहंकारी व्यक्ति अपनी ही हानि किया करता है। दूसरे को पीछे खींचने और धकेलने वाला कब तक क्षमा किया जा सकता है? एक दिन लोग उसके इस अपराध में विरोध में खड़े हो जाते हैं और उसके अहंकार को चूर चूर करके ही दम लेते हैं। वैसा कि दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, हिटलर, नेपोलियन आदि आतत्यायियों के विषय में लोगों के किया। इन अनुचित लोगों को अहंकार बढ़ता गया, अधिकार विस्तार और अधिपत्य की भावना बलवती हो गई। समाज पहले तो सद्भावना पूर्ण सहन करता रहा, किंतु जब सहनशीलता की सीमा खत्म हो गई, समाज उठा और उसके शक्तिमत अहंकारियों को शीघ्र ही तूल में मिलाकर सदा सर्वदा के लिए मिटा डाला। निर्बल अहंकारी जो समाज का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, अपने मन में ही चलता घूमता और क्षोभ करना रहता है, अपना हृदय जलता है, शक्ति नष्ट करता और आत्मा के बंधन डट करता हुआ लोक पर लोक नष्ट करता रहता है। जीवन में शांति तो उसके लिए दुर्लभ हो ही जाती है, पर लोक में भी लोक के अनुरूप नरक भोगा करता है और पूर्व जन्म में अन्य योनियों का अधिकार बनकर युग युग तक दंड भोगना पड़ता है। एक अहंकारी दोष के कारण मनुष्य का ऐसी कौन सी यातना है जो भोगनी नहीं पड़ी? अहंकार में अकल्याण ही अकल्याण ही उसके किसी प्रकार के श्रेय की आशा नहीं की जा सकती। इस विषय दर से जितना बचा जा सके उतना ही महामंगल है। क्रमश जारी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।